मीडिया को बुलाया है क्योंकि हमारे बिजनबारी रूरल हॉस्पिटल में आई चेकअप कैंप हमने स्टार्ट किया है, जो कल से स्टार्ट हुआ है और आगामी 4 दिन तक चलेगा। इसलिए मैं यहाँ के बिजनबारी में रहने वाले ब्लॉक के सारे आदमी को, जो लोकल पब्लिक है, उनको रिक्वेस्ट करता हूँ हाथ जोड़ के कि आप आइए, आके यहाँ पर चेकअप करवाइए। हम लोग आपका चेकअप करने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं 4 दिन तक आई के लिए। जितना भी आई का प्रॉब्लम है, आके आप एक बार एटलीस्ट दिखा के जाइए। ये अभी फिलहाल हम लोग अपना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जो अपॉइंटमेंट जो किया हुआ डॉक्टर्स है, उनसे करवा रहे हैं। सर, पेपर देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है और कुछ नहीं, ठीक ही है। लॉन्ग साइड चश्मा है आपका? थोड़ा एक वो होता है आपका, 40 हो गया ना, 40 के बाद वो प्रेस बार पेयर कर जाते हैं। थोड़ा पेपर देखने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम होता है। आपका पावर चेक करना है, यहाँ पर तो पावर चेक नहीं हो रहा है। हम देख रहे हैं आपका दूर का जो प्रॉब्लम नहीं है, सब सही है। आप ग्रीन वेजिटेबल्स देख रहे हैं, सब चीज ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, कैरोट्स ऐसा रहना चाहिए, और जो डेली डाइट में थोड़ा प्रोटीन भी रहना चाहिए, चिकेन चीज ऐसे रहना चाहिए, और टाइम टू टाइम खाना है, और मोबाइल यूज करना, कंटिन्यू मोबाइल यूज नहीं करना चाहिए। इसका हाइपरटेंशन है 3-4 साल से, हाँ 3-4 साल से जिसका हाइपरटेंशन है, उसका रेटिना, हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, रेटिना खराब हो सकता है, रेटिना में होल हो सकता है, और रिफ्रैक्टिव एरर भी हो सकता है। कंटिन्यू 3-4 साल में फैमिलियल हाइपरटेंशन और एसेंशियल हाइपरटेंशन का रोगी के हम देखते हैं। चोक में भी हाइपरटेंशन, चोक में प्रेशर होता है, इंट्राऑक्युलर प्रेशर, उसको भी इफेक्ट पड़ता है हाइपरटेंसिव रोगों में। फिर हाइपरटेंसिव कॉन्जेनिटोपैथी, जो कंजंक्टिवा है उसका साफ कंजंक्टिवल हिमोरेज भी हो सकता है। डायबिटिक रेटिनोपैथी हो सकता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी, रेटिना जो है डायबिटिक पेशेंट के लिए रेटिना सूख जाता है, ठीक है, ये बोलता है डायबिटिक रेटिनोपैथी। ग्लॉकोमा, ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लॉकोमा हो सकता है, उसकी कमी से भी होता है सर। हाँ ना, अनट्रीटेड इफ डायबिटीज अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज के लिए, ये डायबिटिक का बहुत सारा कॉम्प्लेन है, कॉम्प्लिकेशंस है, इसके हिसाब से आँख में भी है डायबिटिक रेटिनोपैथी, ओपन एंगल और क्लोज एंगल ग्लूकोमा, रिट्रैक्टिव एरर ऐसा हो सकता है। मोबाइल, आप अभी क्या है, गैजेट मैनिया हो गया, मोबाइल यूज ज़्यादा, मोबाइल कंटिन्यू मोबाइल यूज मत कीजिए, टीवी मत देखिए, और डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स, रेटिन, कैरोटीन ऐसा रहना चाहिए, ठीक है, ऐसे ही। और शुगर प्रेशर, अभी क्या हो रहा है, कम उम्र में ही शुगर आ जा रहा है, कम उम्र में मोडी मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग डायबिटीज, जो प्रिवेंट करने के लिए क्या है, एक्सेसिव स्ट्रेस, स्ट्रेसलेस लाइफ, डेली एक्सरसाइज, डाइटरी मॉडिफिकेशन एंड डेली डाइट में ग्रीन वेजिटेबल्स ऐसा रहना चाहिए। हो जाएगा 10 से चलेगा, जितना तक पेशेंट आएगा चलेगा। फोर्टी में क्या हो रहा होता है, तो जो कॉर्निया है जो है वो 40 में जो आपको फोकस थोड़ा नज़दीक पड़ जाते हैं, इसीलिए एवा 40 ये जो रोग है प्रेस बायोपिया कहा जाता है, लॉन्ग साइटनेस, जो पेपर पढ़ने के लिए, किताब पढ़ने के लिए प्रॉब्लम होता है। रिफ्रैक्टिव एरर है आँख में, बहुत सारा एरर है, ये कहा जाता है रिफ्रैक्टिव एरर है, लॉन्ग साइटनेस, ये डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद पावर मिलेगा, जनरल आई चेकअप अभी फर्स्ट कर रहे हैं, फिर इसके बाद जितना पेशेंट हम लोग को मिलेगा उसका एनालाइज करेंगे, उसमें होने वाले प्रॉब्लम के हिसाब से हम लोग बेस्ट आई चेकअप करेंगे। जैसे कि अगर सपोज हम लोगों को नंबर ऑफ पेशेंट हाई रेंज में अगर कैटरेक्ट का मिला, तो हम लोग यहाँ से कैटरेक्ट का ऑपरेशन का कैंप करवाएंगे। इस तरीके से बहुत सारा प्रोग्राम है हम लोग का मेमोरेंडम में जो हम लोग करेंगे, ये हम लोग रूरल हॉस्पिटल बिजनबारी के थ्रू ही करेंगे। पेशेंट की कमी है, लेकिन एक्चुअली क्या है ना, जब तक पेशेंट और डॉक्टर का इंटरेक्शन नहीं होता है तब तक वो कमी के बारे में पता नहीं चलेगा। तो पहले हम इंटरेक्शन पे बिलीव करते हैं, इंटरेक्शन होगा पेशेंट और साथ में, यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का हम कोशिश कर सकते हैं। सर, आपका नाम क्या है? सर, आप कहाँ से हैं? सर, पोस्टिंग तो यहाँ पे है। पोस्टिंग आपके यहाँ पे है, तो आप किस डिपार्टमेंट हैं? सर, डेंटिस्ट जो सर यहाँ पर थे उनका ट्रांसफर कोई दूसरे जगह में हो गया है, तो वो जगह वैकेंट है,
तो अभी उस पोस्ट पे हम लोगों ने ऑलरेडी डेपुटेशन दे दिया है कि एक डेंटिस्ट को इमिडिएटली अपॉइंट करने के लिए। तो ईडी हेल्थ के साथ में हम लोग बात करेंगे, अगर नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग यहाँ पर डॉक्टर्स लेकर आएंगे। फाइल स्पेशलिस्ट से ज्यादा जरूरी है हम लोगों को यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट, ठीक है, गायनी के साथ में चाइल्ड आता है। तो हम लोग का प्लानिंग है कि डिपार्टमेंट या ईडी हेल्थ के साथ में बैठ के एक मीटिंग करने का, वहां से हम लोग इसका गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल को, हम लोग हेल्थ डिपार्टमेंट को एक यहाँ से नोटिस देंगे कि यहाँ पर जो वैकेंट स्टाफ है उसको काइंडली इमिडिएटली फुलफिल करने के लिए। तो आशा करता हूँ आगे का आने का दिन में हम लोग को डॉक्टर मिल जाएगा। बहुत सारा कमी है वो हम लोग देख रहे हैं, रूल आउट कर रहे हैं, रूल आउट होने के बाद उसका डायग्नोसिस करेंगे। ऐसे सब यही देना चाहते हैं कि COVID-19 में बच के रहिए, थोड़ा सा सेफ रहिए, सैनिटाइज कीजिए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम हो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट टू विजनवारी।